नमस्कार, मैं हूँ राशि। आज की रेसिपी है ब्रेड पकोड़ा। बहुत आसान सी रेसिपी है। इसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिससे आपका ब्रेड पकोड़ा एकदम हलवाई जैसा क्रिस्पी और फुला फुला बनेगा। तो चलो शुरू करते हैं ये रेसिपी बनाना। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले हरी चटनी बना लेते हैं। इसे हम ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए भी यूज़ करेंगे और बची हुई चटनी को हम ब्रेड पकोड़ा के साथ इंजॉय करेंगे। तो इसके लिए हम जार ले लेंगे, उसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च, भुना चना, नमक, थोड़ा सा डालेंगे इसमें काला नमक, नींबू का रस और ये 3 से 4 आइस क्यूब्स। आइस चटनी के रंग को मेंटेन करती है, उसे काला नहीं होने देती है। जार का ढक्कन लगा देंगे और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। चटनी हमारी तैयार हो गई है, इसे हम एक कटोरी में पलट लेते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप। ब्रेड पकोड़ा हम स्टफिंग वाला बनाएंगे, तो इसके लिए आलू का मसाला बना लेते हैं। गैस पर रखेंगे कढ़ाई, तेल डाल देते हैं। तेल देखिए अच्छे से गर्म हो गया है। जीरा और साबुत धनिया ऐड करेंगे, साथ में डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। इन्हें हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सौंफ, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू डाल देते हैं। आलू को मैंने यहाँ पे ग्रेट करके डाला है, तो इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। कटी हुई हरी मिर्च, चाट मसाला, थोड़ा सा डालेंगे अमचूर पाउडर, नमक और ये कटा हुआ हरा धनिया। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें डालेंगे टमाटो केचप। यहाँ पर टमाटो केचप डालने के 2 फायदे होंगे। एक, आलू का मसाला है, बहुत ही चटपटा बनेगा और दूसरा, इससे जो मसाला है वो थोड़ा मॉइस्ट होगा, जो आसानी से ब्रेड में चिपक जाएगा। टमाटो केचप की जगह आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच हरी चटनी के भी डाल सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। आलू की स्टफिंग तैयार है, इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1.5 कप बेसन, थोड़ी सी हल्दी, नमक, अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे और ये बेकिंग सोडा। एक बार इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। पानी डालकर इसका हम एक गाढ़ा घोल बनाएंगे। पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि बेसन में बहुत जल्दी लम्प्स बन जाते हैं, इसीलिए पानी हम थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे करके डालेंगे, ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। ब्रेड पकौड़ा का जो बैटर है वो ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अब कैसे चेक करेंगे कि हमारा बैटर परफेक्ट है? इसके लिए एक चम्मच लेंगे, उसे हम बैटर में डालकर ऐसे बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए चम्मच के पीछे की कोटिंग, चम्मच पर बैटर अच्छे से कोट हुआ है और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। हमने 1.5 कटोरी बेसन डाला था, तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी पानी लिया था। तो ये देखिए उसमें से इतना पानी बचा है। बैटर हमारा तैयार है, इसे हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक हम ब्रेड को तैयार कर लेते हैं। 2 ब्रेड स्लाइस लेंगे। ब्रेड की एक साइड पे ये हम हरी चटनी लगाएंगे। उसके बाद आलू के मसाले को हम एक ब्रेड स्लाइस पर अच्छे से फैला देंगे। फिर दूसरी स्लाइस को इसके ऊपर रखकर हल्के हाथों से दबा देंगे। यहाँ पर आप ब्रेड की साइड्स को काटना चाहते हो तो आप काट सकते हैं, पर मैं इन्हें नहीं काट रही हूँ, मैं इन्हें ऐसे ही यूज़ करूँगी। बीच से काटकर इन्हें त्रिकोणा शेप दे देंगे। इन्हें हम साइड में रख लेते हैं। अब मैं आपको एक पनीर वाला बनाकर दिखाती हूँ। सेम वैसे ही 2 ब्रेड स्लाइस ले लेंगे। स्लाइस पर हरी चटनी लगाकर आलू मसाला फैला देते हैं। अब इसके ऊपर हम एक पनीर की लेयर लगाएंगे और दूसरा ब्रेड स्लाइस रखकर इसे हम अच्छे से दबा देंगे। बीच से कट करके इसको त्रिकोणा शेप दे देते हैं। तो ये हमारा पनीर वाला ब्रेड पकौड़ा तैयार हो गया है। इसी तरह बाकी के ब्रेड पकौड़ा भी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे।
एक ब्रेड पीस लेंगे, इसे बेसन के घोल में डिप कर लेंगे, फिर इसे ऐसे सीधे ऊपर उठाकर धीरे से तेल में छोड़ देंगे। तेल यहाँ पर मीडियम हॉट होना चाहिए। ऐसे ही एक और डाल देते हैं। अब इन्हें हम पलटकर दोनों साइड से हाफ फ्राई करेंगे। तो ये हाफ फ्राई हो चुका है, इन्हें हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी के ब्रेड पकोड़ा भी फ्राई कर लेंगे। अब इन ब्रेड पकोड़ा को हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे। सभी ब्रेड पकोड़ा को हम दोबारा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो तेल का टेम्परेचर है एकदम सुपर हाई होना चाहिए। ब्रेड पकोड़ा को हम दोबारा तेल में डालकर अच्छे से इसको तल लेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो गए, इन्हें हम निकाल लेते हैं। इनके ऊपर देखिए बिल्कुल भी तेल नहीं है। इसी तरह बाकी के पकोड़े भी हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग हुई है। अब एक पनीर वाला कट कर लेते हैं। तो ये देखिए लग रहा है ना टेस्टी, एकदम चटपटा बना है और स्टफिंग भी देखिए कितनी अच्छी सी हुई है। इन्हें हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। साथ में सर्व करेंगे हरी चटनी। एकदम चटपटे, क्रिस्पी और हलवाई जैसे ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।